नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स और उसके प्रयोग के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर आप www.kpstarone.com की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को वार्षिक या उससे अधिक वर्षों के लिए आप अलग-अलग तरीके से खरीद सकते हैं और वहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। तो जैसा कि जो नए अभ्यासक हैं, जो केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर जिन्होंने परचेज किया है, तो उनके लिए मैं कुछ जो जानकारी है कि इस सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उसके विषय में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि जब आप केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ऊपर फोर्थ टैब जो है ऑप्शंस सेटिंग्स में जाकर आप प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें और यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग्स आपको मिलेंगी, लास्ट यूज्ड चार्ट, चार्ट फॉर टुडे नाउ। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तब मौजूदा समय का जो टाइम चार्ट है उसके लिए चार्ट फॉर टुडे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो सेटिंग्स हैं, आप जिस शहर में हैं, जिस शहर में आप रहकर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उस शहर को आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे मैं लुधियाना में हूँ तो मैंने लुधियाना में, अगर मान लीजिए मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद यदि जाता हूँ, टूर पर जाता हूँ, एस्ट्रो टूर पर जाता हूँ, तो वहाँ पर अगर मैं दिल्ली में 4 दिन के लिए लोगों के चार्ट देखूंगा तो मैं वहाँ पर दिल्ली लिखूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जिस जगह पर मौजूद होगा, जहाँ पर वो चार्ट का विश्लेषण करेगा, वो वही शहर भरेगा। तो अभी लुधियाना में हूँ तो इसलिए मैंने लुधियाना भरा है। इसके अलावा आप नोट्स को सेव कर सकते हैं, प्रिंट की ऑप्शन है। नॉर्थ इंडियन चार्ट डिग्री डिस्प्ले आप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहों और भावों की जो डिग्री है वो आप चाहे तो ना डिस्प्ले करें, चाहे डिग्री और मिनट में डिस्प्ले करें, चाहे डिग्री मिनट सेकंड पर करें, ये सभी सुविधा दी गई है। इसके अलावा होरारी रेंज क्वेश्चन जो है, जो केपी अभ्यासक हैं, कृष्णमूर्ति पत्ती के अभ्यासक हैं, 1 से 249, 1 से 249 की जो होरारी रेंज है उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो कस्पल इंटरलिंक के अभ्यासक हैं वो 1 से 2193 की जो होरारी क्वेश्चन रेंज है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो केपी सिस्टम इस्तेमाल करने वाले जितने भी अभ्यासक हैं वो 1 से 249 का जो है इस्तेमाल करेंगे, तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पर दी गई सुविधा अनुसार अपना जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद प्लेनेटरी आस्पेक्ट्स टू कस्प, यानी कि ग्रहों की भावों के ऊपर जो दृष्टि है, यदि आप विद इन ऑर्बिट केपी के द्वारा लेना चाहते हैं या वैदिक आस्पेक्ट फुल राशि के द्वारा लेना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टू प्लैनेट कस्प विद इन फॉलिंग ऑर्बिट, यहाँ पर आप उसको एडिशनल एक्सपेक्ट आस्पेक्ट के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रहों के ऊपर जो दृष्टि है, चाहे तो आप केपी ऑर्बिट्स सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे वैदिक। तो जो केपी के अभ्यासक हैं जो एक नियमित डिग्री के द्वारा आस्पेक्ट लेते हैं वो केपी के अंतर्गत लेते हैं। इसके अलावा यदि आप नॉर्थ इंडियन नाम चाहते हैं तो उसके हिसाब से, और यदि साउथ इंडियन नेम चाहते हैं उसके हिसाब से, और इसके अलावा यदि आप प्रिंट डिटेल्स चार्ट की करना चाहते हैं तो टिक मार्क करें और आप अपना नाम और एड्रेस जो है दे सकते हैं। और ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हमेशा ध्यान में रखें कि सेव एंड एग्जिट आपको ज़रूर करना है। यदि आप इसको किए बिना निकल जाएंगे तो आपकी कुछ सेटिंग्स जो
यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होंगी वो फिर वहीं पर आ जाएंगी। तो इसलिए जो है शहर और ये हुरारी क्वेश्चन रेंज, क्योंकि इसी में फ़र्क पड़ता है, तो सेव एंड एग्ज़िट करें हमेशा। उसके बाद ऑप्शन एंड सेटिंग्स में जाएं, कैलकुलेशन ऑप्शंस में जाएं, ऑल चार्ट सेटिंग्स। तो यहाँ पर जैसे कि अंशमा चेक कर लें, यदि एनसी लहरी है तो जो वैदिक यूज़ करते हैं वो नहीं, तो कृष्णमूर्ति पत्ती जो अभ्यासक है वो के एस कृष्णमूर्ति अंशमा, और उसमें यूज़ ओरिजिनल के पी अंशमा, न्यू अंशमा, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हाउस सिस्टम प्लेसिडस ही होता है जो इसमें सिलेक्ट है। लोकेशन फॉर होरारी और ट्रांजिट चार्ट, तो माई लोकेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जहाँ पर होगा वहाँ होरारी चार्ट जो है वो जिस शहर में होगा उसके अनुसार। और उसके अलावा जो सेटिंग्स हैं ये ऑलरेडी जो है इसमें है, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यदि मान लीजिए कि किसी वक्त आपसे ये सेटिंग्स छिड़ जाती हैं, तो आप रीसेट केपी डिफ़ॉल्ट्स, रीसेट ट्रेडिशनल डिफ़ॉल्ट्स, तो रीसेट केपी डिफ़ॉल्ट्स आप कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स इसी प्रकार से हो जाएंगी। और सेव फॉर ऑल चार्ट्स अवश्य करें। अब जो आपका केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर है वो इसके ऊपर सेट हो चुका है। अब इसके बाद बात आती है कि जब हम चार्ट लेते हैं तो किस प्रकार से चार्ट जो है हमने भरना है। आप क्रिएट न्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करें, और जैसा भी आप कोई भी चार्ट भरना चाहते हैं, मिस्टर ए बी सी, और जैसे कोई भी जन्म समय, और जो भी प्लेस है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। प्लेस भरने के बाद सर्च मोर ऑप्शंस पर जाकर आप जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी आप चेक कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि मान लो कोई शहर ऐसा हो जो भरने के बाद भी ना आ रहा हो, तो आप ऑनलाइन वेब सर्च पर क्लिक करके उसको आप ढूंढ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दी है बाय जिप पिन कोड, तो यहाँ पर यदि आप पिन कोड भरेंगे, जैसे जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा उसको आप भरेंगे, तो वो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर भरा है, और इसको सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये लुधियाना के ये जो एरियाज़ हैं 141008 के अंतर्गत वो लुधियाना के एरियाज़ आ गए हैं। तो इसमें से जो एरिया नज़दीक हो आप उसको जो है क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो लुधियाना का एरिया आया है, और यहाँ पर सीएमसी के नज़दीक वाला जो एरिया जैसे ये है ये सिलेक्ट किया है और इसको एक्सेप्ट किया है, तो ये बिल्कुल ले लेगा, और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ऑनलाइन वेब सर्च के द्वारा क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम हमारे शहर का पिन कोड भर के भी ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा बाय सिटी प्लेस नेम के द्वारा भी हम ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम किसी और कंट्री में ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये सुविधा जो है दी गई है। तो इस प्रकार से केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में जो है आप ऑनलाइन वेब सर्च के द्वारा कंट्री, स्टेट, सिटी,
जो भी है, और पिन कोड के द्वारा बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आप कोई चार्ट बना लेते हैं, तो उसके बाद हमारे समक्ष कई प्रकार की ऑप्शंस आती हैं, जिसमें चार्ट क्लासिक भाप चलित है, और यदि इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साउथ इंडियन बर्थ चार्ट, भाप चलित चार्ट, राशि चार्ट, ये सब कुछ आता है। इसके अलावा नटल यानी कि जन्म के समय के जो रूलिंग ग्रह हैं वो आते हैं, और ट्रांजिट यानी कि जिस समय चार्ट लिया गया है उस समय के जो है रूलिंग ग्रह आते हैं। इसके अलावा हर ग्रह का राशि, उसकी डिग्री, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, साथ में सिग्निफिकेटर्स जो कि ग्रह और नक्षत्र के कंबाइन होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो ग्रह कस्पल लॉर्ड है, इसके अलावा वो ऑक्यूपेंट है, इसके अलावा वो जिस भाव का सब लॉर्ड है, जिस भाव का स्टार लॉर्ड है, कंजंक्शन और एस्पेक्टेड बाय, और किनके ऊपर दृष्टि जा रही है, चाहे वो राशि है, चाहे वो ग्रह है, चाहे वो भाव है। तो ये सारी सुविधा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा 1 से 12 भावों की डिटेल, राशि, डिग्री, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब सब लॉर्ड, सिग्निफिकेटर्स जो 1 से 12 भावों के हैं, और उसके अलावा प्लैनेट्स, स्टार लॉर्ड इन कस्प, फिर उसके बाद ऑक्यूपेंट, फिर इन कस्पल लॉर्ड स्टार, फिर उसके बाद डील जो राशि स्वामी है, उसके बाद दृष्टि देने वाले, और यदि भाव की एस्पेक्ट हो, और उसके अलावा जो है ट्रांजिट भी दिया गया है ग्रहों का, और साथ में यहाँ पर जो है नाड़ी सिग्निफिकेटर्स यानी कि ग्रह, उसके कारेश, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र, तो ये पूरा का पूरा टेबल दिया गया है, और इन शॉर्ट यहाँ पर दशा भी दी गई है। तो ये सुविधा यहाँ पर है। इसके अलावा चार्ट क्लासिक, ये अलग अलग प्रकार से जो हैं यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट क्लासिक ट्रांजिट राशि, चार्ट क्लासिक ट्रांजिट भाव, चार्ट क्लासिक नवांशा, चार्ट क्लासिक प्राणालॉड, चार्ट क्लासिक ऑल साउथ मतलब जो दक्षिण भारत में जो इस्तेमाल करते हैं उनके अनुसार, इसके अलावा चार्ट क्लासिक ईस्टर्न, और इसके अलावा चार्ट नॉर्थ विद केपी सिग्निफिकेटर, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट नॉर्थ विद नवांशा कुंडली, चार्ट नॉर्थ विद कंबाइंड सिग्निफिकेटर्स। यहाँ पर भी हमें ग्रहों के कारेश जो भाव हैं वो मिलते हैं, 1 से 12 भावों के ABCD लेवल जो यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ए का, बी का, सी का और डी का, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा चार्ट साउथ ट्रांजिट, तो हर प्रकार की सुविधा दी गई है। यूटिलिटीज में जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो है कि मान लीजिए किसी का जन्म चार्ट लिया है, तो ये हमें बिल्कुल उस तारीख का और उससे बिल्कुल आगे पीछे कि कहीं लगन बदल तो नहीं रहा, बॉर्डर लाइन पर तो नहीं है, या नक्षत्र बदल तो नहीं रहा, या उपनक्षत्र बदल तो नहीं रहा, बॉर्डर लाइन पर तो नहीं है, ये हम देख सकते हैं। तो रूलिंग ग्रहों के द्वारा जो है BTR फिक्स करने के लिए ये जो टूल है इसको इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। इसके अलावा मुहूर्त चार्ट यानी कि जो मौजूदा समय जो लगन है और जो चंद्र है उसके अनुसार, उसके अलावा ऑल साइन स्टार सब लॉर्ड्स एंड RP चेंजेस जो है यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेगी कि जो तारीख है, जो समय है, यदि एस्ट्रोलॉजर की जगह या फिर जो जातक का नटल चार्ट प्लेस है वहाँ की जगह, तो हर ग्रह किस राशि नक्षत्र से गोचर हो रहा है
ये पता चलता है। इसके अलावा ये हर ग्रह का राशि नक्षत्र है, तो हर ग्रह का राशि नक्षत्र उप नक्षत्र चाहते हैं तो ऑल प्लैनेट सब लॉर्ड चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हर ग्रह का राशि नक्षत्र उप नक्षत्र किसमें गोचर हो रहा है हमें ये सूर्य से लेकर केतु तक पता चलता है। इसके अलावा जिस समय जो डेट जो तारीख और समय लिया गया है तो उस समय का कस्प एट इंटरवल यानी कि पहला भाव जो है वो कौन सा लग्न चल रहा है और किस प्रकार से वो बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑल प्लैनेट्स एट इंटरवल ये यहाँ पर हमें पता चलता है, यहाँ पर तारीख और समय और हर ग्रह की जो स्थिति है। इसके अलावा रूलिंग प्लैनेट्स टुडे इसके ऊपर यदि हम क्लिक करते हैं तो जैसे 18 जुलाई को रविवार है और लगन साइन लॉर्ड सूर्य, उसके बाद ये कन्या का, उसके बाद तुला, उसके बाद वृश्चिक और इनके अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं उनकी स्थिति और साथ ही चंद्रमा का ट्रांजिट, तो ये जो है चंद्रमा का भी किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है और साथ ही नोड्स यानी राहु केतु की स्थिति भी पता चलती है। इसको हम स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और जो तारीख चाहते हैं वो भर के, जो समय चाहते हैं वो भर के, यदि जातक की जो जन्म स्थान है वहाँ या फिर जो जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर है वहाँ पर। उसके अलावा हम रेट्रो ग्रहों के लिए यदि ये क्लिक करते हैं तो रेड कलर स्टार लॉर्ड, ब्लू कलर सब लॉर्ड, मैजेंटा कलर बोथ दोनों के लिए तो ये हमें पता चलता है। यहाँ पे इंक्लूड असेंडेंट सब लॉर्ड भी कर सकते हैं, तो ये सुविधा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ में यदि हम जाते हैं तो हमें नटल साइन स्टार सब प्राण लॉर्ड तक, ट्रांजिट साइन स्टार सब प्राण लॉर्ड तक, उसके अलावा जो होरारी क्वेश्चन रेंज है तो ये हमें पता चलता है 1 से लेकर 249 की सिलेक्शन, 1 से 2193 की सिलेक्शन, सूक्ष्मा के लिए 19689 और प्राणा के लिए इस प्रकार से। तो हम 1 से 249 इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 से 249 जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि होरारी नंबर जो प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है उसमें लग्न कौन सा बनेगा, तो ये सुविधा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा हाउस रोटेशन, मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है अपने बेटे के लिए बेटी के लिए तो 5वें भाव को हमें रोटेट करना पड़ता है, उसके लिए 5th हाउस पर क्लिक करेंगे, सेट 5th हाउस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो सारी कुंडली जो है वो पंचम भाव जो है वो लग्न पर आ जाएगा और ग्रहों की उस हिसाब से, भावों की उस हिसाब से स्थिति बदल जाएगी। उसके अलावा जो ग्रहों के कार्येष भाव हैं उन वो भी उसी हिसाब से बदल जाएंगे। तो जैसे ग्रह नक्षत्र उप नक्षत्र ये नाड़ी सिग्निफिकेटर का जो टेबल है ये हमें यहाँ व्यू हॉरोस्कोप में यहाँ पर मिलता है और उसके अलावा 4 स्टेप सिग्निफिकेटर सुनील गोंधलकर जी द्वारा जो 4 स्टेप थ्योरी है उसके संबंध में यहाँ पर मिलता है। और हाउस रोटेशन के बाद सभी भाव ये बदले हुए हैं और यहाँ पर ऑप्शंस की सुविधा में आप जाकर यदि आप एक्सप्लानेशन को हाइड करना चाहते हैं तो वैसे ही आप कर सकते हैं, यदि वर्बोस मोड पे आप क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे तो आपको हर ग्रह 4 स्टेप सिग्निफिकेटर के हिसाब से किस प्रकार से उनके कार्येष बने हैं इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा 4 स्टेप सिग्निफिकेटर में जो सेटिंग्स दी हैं आप हर ग्रह की और भाव की जो ऑर्बिट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एस्पेक्ट कंजंक्शन विद अबव ऑर्बिट के अनुसार आप इसको इंक्लूड करके देख सकते हैं। इसके अलावा राहु केतु की जो सातवीं दृष्टि है श्री गोंदलकर जी द्वारा ली गई उसको आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते। उसके अलावा राहु केतु की 5वीं 9वीं दृष्टि रिसर्च के लिए जो है आप ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। हाइड एक्सप्लेनेशंस पे क्लिक करेंगे तो ये
जो हमें ग्रहों की जो इस प्रकार से फोर स्टार थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा। उसके अलावा इवेंट फाइंडर है, थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन है, और भी अन्य जो इसमें हैं, जैसे क्यू कार्ड्स में यदि हम चले जाएं तो यहाँ में राशि प्रॉपर्टीज, प्लैनेट प्रॉपर्टीज, प्लैनेट डिजीज बाय जोडियक साइन, पार्ट्स ऑफ बॉडी, प्लैनेट्स उच्चता नीचता, राशि प्रॉपर्टीज, प्लैनेट प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा जो हाउस सिग्निफाइंग इवेंट्स हैं, तो काफ़ी इवेंट्स के ऊपर जो है यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, ये इनको आप देख सकते हैं। जैसे शादी के लिए प्राइम कस्प है सप्तम भाव, और 2/7/11 यानी सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2/7/11 का कार्यश हो तो शादी होगी इन्हीं भावों के कार्यश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में, तो ये यहाँ पर शादी का नियम दिया गया है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी नियम दिए गए हैं जिनको आप जो है देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर। अब जैसे आपने देखा कि ये मैंने चार्ट रोटेट किया था, इसको मैं रीसेट करूंगा तो ये देखिए जो है अब फिर से वो करक जो लगन है वो बन गया है। तो इस प्रकार से केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप विंशोत्तरी दशा जो नेविगेटर है, एक तो जो दशा यहाँ पे आती है जब हम चार्ट बनाते हैं ये कुछ पीरियड की होती है, विस्तार से देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ये महादशाएं हैं जो ब्लैक कलर में हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे तो अंतरदशाएं, फिर प्लस पर क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर में प्रत्यंतर दशाएं, फिर करेंगे तो सूक्ष्म दशा। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर के बारे में जो जानकारी दी गई है, इसके अलावा आगे भी जानकारी दी जाएगी, तो आप केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।